तो आप समझिए कि एक निडर अगर लीडर हो जाए तो फिर देश कहां पहुंच सकता है, क्या नहीं कर सकता कोई देश, इसका उदाहरण लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेश कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। मुकेश कौशिक वरिष्ठ पत्रकार है मेरे साथ जुड़े हैं, लेकिन विशाल पांडे जो लद्दाख से लगातार ग्राउंड रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं। विशाल, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। कल जब प्रधानमंत्री के दौरे की तस्वीरें आई, उनसे न केवल जो जवान है उनमें जोश भरा, पूरे देश में जोश हाई था। आप क्या देख रहे हैं अभी जमीनी स्तर पर, वहां पर जो हालात हैं, और कितना बदलाव आपने पिछले 24 घंटे में देखा? देखिए पयोधी, बिल्कुल, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लद्दाख पहुंच जाना अपने आप में इस दौर में काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि चीन को कभी इस बात की उम्मीद ही नहीं रही होगी कि जब भारत और चीन के बीच विवाद चल रहा हो और देश का कोई प्रधानमंत्री सीधे लद्दाख पहुंच जाए, और वो भी निमू, जहां से काफी स्ट्रेटजिक लोकेशन भारत की रहती है। और यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना का मनोबल तो बढ़ाया ही बढ़ाया, साथ ही चीन को यह संदेश दे दिया है कि ये जो भारत है ये अपनी सीमा की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और विस्तारवाद का युग खत्म हो गया, जो कि पीएम का सबसे बड़ा संदेश था चीन के खिलाफ। और भारतीय सेनाओं को पूरी छूट इस वक्त सरकार ने दे रखी है। प्रधानमंत्री ने सिर्फ जवानों का मनोबल ही नहीं बढ़ाया, बल्कि यहां पहुंचकर एक एक चीज की जानकारी भी ली पयोधी, कि फॉरवर्ड पोस्ट पर हमारी इस वक्त स्थिति क्या है, LAC के उस पार चीन कैसी तैयारियां कर रहा है, क्योंकि इस तरह की खबरें आई थी कि चीन लगातार अपना मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है, अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है, हथियार तैनात कर रहा है। तो इन सब को देखते हुए पीएम ने एक एक चीज की जानकारी ली। 14 कोर के जो कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह हैं, उन्होंने विस्तार से सब कुछ प्रधानमंत्री को समझाया, यानी कि ग्राउंड जीरो पर आकर उन्होंने हालात का जायजा लिया, देश को एक तरह से यह भी संदेश दिया कि यह देश सुरक्षित है, हमारी सीमाएं सुरक्षित है, और चीन की किसी भी चुनौती से निपटने के लिए भारत तैयार है। सबसे बड़ा संदेश भारत के प्रधानमंत्री का आज लद्दाख से यही था। और इसके साथ ही साथ आप देखिए कि चीन को करारा जवाब यहां से दिया है प्रधानमंत्री ने, और नाम नहीं लिया, संदेश बिल्कुल चोट सही जगह पहुंची है। चीन अब ये कह रहा है कि हमें विस्तारवादी मत कहिए। अब आप समझ सकती हैं, बिना नाम लिए अगर चीन को इतनी चोट पहुंच गई है तो आने वाले दिनों में और कुछ क्या हो सकता है। पयोधी, ये तो अगर ये सरप्राइजिंग विजिट थी प्रधानमंत्री की, तो चीन को में तो खलबली मचना वैसे भी स्वाभाविक था। जो चीन अपने सैनिकों की शहादत को लेकर आंकड़े छिपाता है, जो चीन ये बता नहीं पाता कि उसके कितने सैनिक हैं जो शहीद हुए हैं, कितने सैनिक हैं जो घायल हुए हैं इस भिड़ंत में, वो चीन आखिर कैसे स्पष्टीकरण देगा, ये भी तो आपको समझना होगा ना। मुकेश कौशिक वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश कौशिक, बिना नाम लिए सीधे तौर पर चेतावनी उस जगह पर जाकर प्रधानमंत्री देते हैं जो सबसे सेंसिटिव जोन है, पूरे विश्व की निगाहें जिस पर टिकी हुई हैं, तो समझिए कि कितनी मजबूती और कितनी दृढ़ता से एक लीडर की भूमिका निभाते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे थे। योधी, नाम लेने की वहां जरूरत ही नहीं थी, वो जिस जगह खड़े हुए थे वो लद्दाख है, और लद्दाख में इस समय जहां तनाव चल रहा है वो सिर्फ भारत और चीन के बीच चल रहा है। और प्रधानमंत्री ने सिर्फ न सिर्फ विस्तारवाद की आलोचना की, वहां जाकर एक सटल मैसेज दिया है, और आप उनका पूरा वाक्य सुनिए, और वो चीन को अच्छे से सुन गया। उन्होंने कहा कि विस्तारवादी ताकतें या तो मिट गई हैं या मुड़ने को मजबूर हो गई हैं। तो जाहिर तौर पर चीन को यह संदेश है कि आपने जो विस्तारवाद की कोशिश यहाँ पर गालवान घाटी में, पैंगोंग सो में या दक्षांग में करने की कोशिश की है, या तो आप मुड़ जाइए या फिर मिटने के लिए तैयार हो जाइए। ये एक बहुत बड़ा संदेश है ऐसे समय में जबकि भारत के 20 सैनिकों की शहादत हुई थी, और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कहने में कि उस 20 सैनिकों की शहादत के बाद हमारे भारत में भी एक माहौल ऐसा था जिसमें ह्यूमिलेशन महसूस हो रहा था। 1962 के युद्ध को भारतीय एक कांटा की तरह याद करते हैं, और 20 सैनिकों की यह शहादत हमारे लिए ह्यूमिलेशन थी। लेकिन कल का जो प्रधानमंत्री का लद्दाख दौरा है, इससे एकदम नया उत्साह, नया जोश भारत भर में दिखाई दिया है। और अच्छा, आप इसको ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, मुकेश कौशिक सर, इसको हम ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे ये पता, ये पूरे जब विश्व में ये खबर आती है कि प्रधानमंत्री लेह में मौजूद हैं, उसके बाद उसके मीडिया में खबर आती है चीन के मीडिया में कि बातचीत, सकारात्मक बातचीत के जरिए इस मामले को सुलझाया जा रहा है, जो कोर कमांडर स्तर की बातचीत हो रही है उसी में इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा, और उसके बाद जब प्रधानमंत्री संबोधित कर देते हैं, वो दो टूक कह देते हैं बिना नाम लिए, तो चीन की बौखलाहट भी इस तरह से सामने आ जाती है कि वो कैसे डरा हुआ है। मुझे बताया जा रहा है कि मेरे साथ अद्विता काला ऑथर है जुड़ चुकी है, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज पर। एक छोटा सा ब्रेक लेना मजबूरी है, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आपको यह भी बताएंगे कि कैसे कूटनीतिक रणनीति बनाकर हम जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। फॉरन लौट, लेकिन उससे पहले आपके लिए जानना भी बहुत जरूरी है
कि हमने जो मुहिम चलाई है जिसमें आपका अपार समर्थन मिला है, चीन के सामानों के बहिष्कार पर जी न्यूज की मेड इन इंडिया मुहिम शुरू की गई, और हमें आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस मुहिम में हमें पूरे देश का साथ यानी आपका साथ मिल रहा है। मुहिम शुरू होने से लेकर अब तक 58,20,000 से ज्यादा मिस्ड कॉल आ चुकी है। अगर आप भी मेड इन इंडिया मुहिम का समर्थन करते हैं तो आप अपने मोबाइल को हथियार बनाइए और हमारे मोबाइल नंबर जो इस वक्त आप जी न्यूज पर देख रहे हैं 7834998998 पर एक मिस्ड कॉल, नंबर नोट नहीं किया है, सेव नहीं किया है, एक बार फिर से आपको बता देती हूँ 7834998998 पर एक मिस्ड कॉल और आपका सीधा समर्थन इस मुहिम को मिलेगा। प्रेजेंटिंग वी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड एप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।